कॉट बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ राशिद लतीफ, पाकिस्तान के सावेक कप्तान। और आजकल ये राशिद को मियां को पता नहीं क्या हुआ है कि इन्वेंट्री लंबी चौड़ी बना ली है इन्होंने ऑफ द प्लेयर्स, या वो जो कि जख्मी चौक में जाने के काबिल बन गए पीसीबी की, बीसीसीपी की, या दुनिया की बेसबातियों की वजह से, या वो प्लेयर्स जिन्होंने ओढ़ना बिछौना क्रिकेट को बनाया और उनका बहुत लिहाज से कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की जो कहते हैं क्रिकेटिंग अपब्रिंगिंग में। और आज जो हमारे साथ साहब मौजूद हैं जी, वो एक बहुत मशहूर हुए थे इंडिया के प्लेयर विजय मर्चेंट, तो हमारे पास भी मर्चेंट थे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। और दो एक ही हम नाम खेले, एक 91-92 में क्वेटा से खेले, उनसे हमने कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन जो आज हमारे साथ साहब है, 95 फर्स्ट क्लास मैचेस ही प्लेड, 2927 runs he scored, 100 इनका 112, right arm fast medium bowler थे, capable batsman, 14-50 भी इनके, 4 इनके fivers हैं, 128 इन्होंने विकटें ली, और एक competent player ये सामने आए, कराची वाइट से खेले 1975-76, और उसके बाद United Bank इन्होंने join किया, और एक loyal किस्म के आप कहते हैं ना workman like all rounder, जो हर घड़ी तैयार कामरान थे for United Bank, और ये खेलते रहे यूनाइटेड बैंक से। और उसके बाद न जाने क्या हुआ, 96-97 ये फैसलाबाद पहुंचे, और कमाल मर्चेंट हमारे साथ हैं जो कि एक इंटरनेशनल अंपायर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल T20 विमेन और वन डे इंटरनेशनल विमेन जो है उसमें अंपायरिंग की, लिस्ट ए में अंपायरिंग की, एक सीजन अंपायर ये उभर के सामने आए। प्रॉबेबली शायद मुझे लगता है कि हिज वॉज ऑल्सो ए केस ऑफ डिसिल्यूजनमेंट, फिर ये आयरलैंड चले गए, और आजकल जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं जेन्युइन कोचिंग, जो कि यंगस्टर्स की स्कूल कॉलेज एंड ऑफ कोर्स ऑफशोर जो आते हैं प्लेयर्स उनको भी ये देखते हैं, तो कमाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने इनकी वो कहते हैं ना भरपूर जवानी भी देखी हुई है यूबीएल के ड्रेसिंग रूम से, एक बड़ा कहते हैं ना तगड़ा इंग्रेडिएंट थे यूनाइटेड बैंक की टीम को, बैलेंस अगर देना होता था तो इनकी ऑलराउंड एबिलिटीज देती थी, मुनव्वर क्लब कराची का ये प्रोडक्ट है। जी कमाल भाई, वेलकम टू आवर शो कॉट बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सर राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई, कैसे हैं, खैरियत से, सेहत क्या हाल है? बहुत ला कर रहा हूं, बस खुदा का शुक्र है। जूते सीधे पहने हुए हैं कमाल भाई? मेरा पहला सवाल ये है, उधर भी आएंगे, उधर भी आएंगे कमाल भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने यूबीएल के ड्रेसिंग रूम में राशिद लतीफ को भुगता? नहीं 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 नहीं, इत्तेफाक से मैं एग्जिट कर गया था उस टाइम पर, से पहले एग्जिट कर गया। लेकिन नहीं, मेरी बदकिस्मती ये है, मेरी बदकिस्मती ये है, मैं खेलना चाहता था उनके साथ, मुझे मालूम था टीम में आ रहे थे, मैं खेलना चाहता था उनके साथ, लेकिन उससे पहले हम लोग को मतलब बोला कि आप लोग मेक प्लेसेस ना, तो हम लोग ब्रांच में गए थे कोर्स करने के बाद। लेकिन कमाल भाई आपने तो इनसे भी तगड़े आदमी को झेला हुआ है ना, हमारे वन एंड ओनली रईस भाई। नहीं देखें, रईस तो बहुत ही अच्छा बंदा है, क्लास बंदा है, वो तो अपने टेम्परमेंट है इसका, लेकिन क्या तो जॉब नहीं देश का। राशिद भी ऐसे ही है जो समझ जाए इंसान को। एब्सोल्युटली, और आपने कमाल भाई बड़ी अच्छी बात की, रईस भाई की, ये राशिद नहीं, हम लोगों ने उनको इंटरव्यू किया, और क्या उस आदमी की इनसाइट है और कितने वो तगड़े हैं, ही इज अ स्टेडफास्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। अब मैं राशिद की तारीफ नहीं करना चाह रहा, वो आप कर दीजिएगा, मैं तो नहीं कर सकता ना, मुझे भुगतना पड़ेगा। चलें चलते हैं भाईजान, ये कहां से क्रिकेट कहां से आ गई कमाल मर्चेंट को, कैसे, क्या शौक हो गया, क्यों शौक हो गया, कराची में किसको देख के क्रिकेट शुरू कर दी? असल में हम लोग जब रतन नाजो में रहते थे तो मेरे बड़ा भाई थे इकबाल मर्चेंट, वो अपनी टीम कैप्टन थे, सो हमारे जब नेक्स्ट डोर नेबर थे वो इकबाल कासिम थे, हमें साथ रहते थे हम लोग, तो उनके घर में सामान पड़ा होता था क्रिकेट का, मैं जब छोटा था 7-8 साल का, तो अब सामान उनको यूज कर लिया करता था, खेलने खेलते भी शौक चढ़ता गया। वहाँ से फिर हम सदर मूव हो गए, तो वहाँ गली में खेलते खेलते फिर क्लब ज्वाइन किया, वहाँ से क्रिकेट शुरू हुई मेरी। लेकिन बेसिक मेरे जो भाई ने सपोर्ट किया मेरे को शुरू में अर्ली स्टेजेस पर, तो 7-8 साल की उम्र में, तो वहाँ हमारे फैमिली क्रिकेट है, हमारे फैमिली स्पोर्ट्स है पूरा, जो हमारे फैमिली है इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, सब क्रिकेट है बस। अच्छा कमाल भाई, आपका जो मुझे याद है थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन लगता था, मुश्किल सा एक्शन, और गेंद आपका बजाय के आउटस्विंग हो
लेग कट भी कर जाता था, बड़े लोग तंग होते थे, बड़े लोग तंग होते थे। फिर आपकी पेस वेरिएशन बहुत तंग करती थी, ऑफ द पिच कभी स्केप हो जाता था, कभी पोला से गेंद आ जाता था, तो काफी स्यापा पड़ा होता था जब आप गेंद करते थे, उस पे आ जाए जरा। बिल्कुल सर, डिस्क्राइब किया आपने बिल्कुल, मैं वही क्वालिटी का बोल रहा था, इसलिए मेरी पेनिट्रेशन वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी, लेकिन मैं बॉल को सीम यूज करने के अलावा यॉर्कर और स्लो बॉल यूज करता था, और बैट्समैन को रीड करता था। अगर मैं बॉलिंग नहीं भी कर रहा हूँ तो मैं बैट्समैन को रीड करता रहेगा, अगर मान भी बॉलिंग आएगी तो मैं बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करूंगा, कहाँ खेलता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो मैं इसको उधार के खेलूंगा, तो रीड करता रहा गेम को, और प्रैक्टिस काफी थी, अल्लाह का शुक्र तो आइडिया था। कमाल मर्चेंट वाज अ बेटर बैट्समैन और अ बेटर बॉलर? राइट, इनिशियली मैं शुरू में बैटिंग ऑलराउंडर था, मैं आप देखो कह रहा कि मैंने बैटिंग से ओपनिंग बैटिंग करी, और पाकिस्तान टीम भी खेला था, मैं नंबर 3 बैटिंग करी, जावेद लोग सब खेले थे, मैं नंबर ओपनिंग बैटिंग करता क्लब के लिए ओपन। फिर जब बैंक में आया ना तो बैंक में हमारी बॉलिंग बहुत लंबी थी, हमारी बहुत लंबी, तो बॉलिंग भी कम मिलती थी, बॉलिंग में कम बॉलिंग मिली, अंडर बोल्ड हुआ जैसे, तो फिर मेरे को बैटिंग ऑर्डर फिर हटाने के बाद में जब उन्होंने बोला कमाल बैटिंग तुम नीचे करोगे, तो मुझे बॉलिंग ज्यादा मिलने शुरू हो गई थी। ओके जी राशिद भाई, आप पूछे, फिर मैंने प्रवेश शाह जी का पूछना, वो भी इन्हीं की तरह खोचल किस्म के ऑलराउंडर थे। पहले आप पहले राशिद आप पूछे। नहीं, कमाल भाई से तो ना क्या सवाल क्या करना इनसे, ये खुद एक इनके वाकयात बहुत मशहूर हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई बॉलिंग कर रहा था, शायद बरकतुल्ला बॉलिंग कर रहा था, तो इनके पास शकील सज्जाद आया या कोई गया, तो कमाल भाई ने कहा यार बरकत की तरह बॉलिंग कर रहा है ये, तो सब एकदम से बोल रहे हैं बरकतुल्ला तो है। तो इनका इनका जो खासा था ना वो इनके वाकयात हैं प्लेयरों के प्लेयर के साथ, ये जूतों का वाकया तो ये खुद सुना देंगे। बांग्लादेश में कमाल भाई को यूबीएल का अच्छा वाक्य सुना है जो इरफान मिर्जा या इसहाक भाई के साथ रिलेटेड हो? असल मैंने हमारी बैंक जो टीम थी 75 पे थी ना, तो जो हमको पॉइंट किया गया था ना, तो मैं इर्तजा आरिफुद्दीन और एक और कोई शायद पॉइंट किया गया था और फील्ड ऑफिस से लिया गया था, तो हमारा काम ये था टीम के लिए खेलना है। फिर इसहाक भाई भी टीम में आ गए थे, तो इनिशियली हम लोग की मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बाद में मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गई। वो वाक्य तो नहीं है रक्षे वाला? कमाल भाई जरा बताए ना, एक बार बरकतुल्ला की तरफ बॉलिंग देखी, आगे चले जरा और किसे सुनाए, यानी कि जो मेमोरीज है आपकी, जो मेमोयर्स ऑफ कमाल मर्चेंट। एक तो तौसीफ के ऊपर भी है, तौसीफ अहमद हम लोग का, तौसीफ अहमद और खुर्शीद भाई के ऊपर, तो तौसीफ ऑस्ट्रेलिया से खेल के आए 1980 में, पेंटागन का मैच हो रहा था, तो मसूद अनवर ने मिड विकेट ड्राइव मारी, पिंडी वाली ओपनर मसूद अनवर, मिड विकेट ड्राइव मारी, तो मैं खड़ा था शॉर्ट मिड विकेट बॉल के पीछे, भागा नहीं, खुर्शीद भाई भागे मिडाउन से, भागे खुर्शीद भाई, और तौसीफ कवर से भागा, तो तौसीफ तेज भागा, खुर्शीद भाई तौसीफ भाई तेज भागते नहीं थे, उसने खुर्शीद भाई क्रॉस किया, बॉल की अंदर से बॉल पकड़ी और उठा के फेंक दी बॉल को कीपर तक, तो वापिस आ रहे थे दोनों भाग के आ रहे थे, तो खुर्शीद भाई कहने देख तीन ले गया, तीन भाग गया, मुझे भागने देता, तो फिर बोला साथ में ले रहा था वो। जबरदस्त यार, क्या एक और अगर आप बोलो तो मैं बता दूं खुर्शीद भाई का, कुछ मैं तो बॉलर थे ना बेसिकली ना, तो उनको हाथ दुबा के फेंकते थे बॉल, हाथ दुबा के बॉल फेंकते थे, और तौसीफ का थोड़ा बड़ा अच्छा आता था, बिल्कुल कड़क आता था, हमारे घर में जो प्रैक्टिस हो रही थी, तो जो ओल्ड फैशन ना हाई कैचेस मारना थ्रो करना कीपर को, तो हारून में कैचेस करा रहे थे, अशरफ अली बॉल पकड़ रहा था टूर कम से कम 200-100 yards के ऊपर ना, तो फ्लैट थ्रो कर रहे थे, तौसीफ मेरे खड़ा था सीधे हाथ पे, खुर्शीद भाई उल्टे हाथ पे थे, तो एक राउंड हो गया, दो राउंड, थर्ड राउंड में खुर्शीद भाई ने बॉल फेंकी, कैच पकड़ गए, मैंने फेंकी, उसने बॉल फेंकी, खुशी भाई ने पता नहीं क्या सोचा, तो बोला अरे यार तौसीफ को बोल रहे तू तो ऐसा बॉल फेंक रहे ऐसे पथराव कर रहा हो, बस के ऊपर तौसीफ ने बोला खुशी भाई आप तो ऐसे फेंक रहे घर में अखबार डाल ले हो। बोला आप तो बोल रहे घर में अखबार डाल ले, बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा हम लोग का। एक और जो मशहूर हुआ था सैफुल्ला ने छक्का लगवा दिया था आपने फैसलाबाद में कहीं पे, कि आखिरी बॉल है प्रैक्टिस करा रहे थे, बॉल में फेंक रहे थे, तो आपने बोला यार एक बॉल है छक्का मारना है, हालांकि वो नॉकिंग हो रही थी डॉक, एक होते आखिर में नॉकिंग,
तो सैफुल्ला ने मार दिया छक्का और शीशे पे सीधी बॉल मार भी तोड़ दिया शीशे। वो तो नॉकिंग कर रहे थे तो ये बैटिंग कर रहा सामने मारा था, मैंने बॉलर को बोला यार खेल तो अच्छा रहा है लेकिन इसका लिफ्टिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, उठा के नहीं मार सकता है। उसने सुन लिया बॉल को, उसने फ्लैट दी, उसने निकल के दो स्टेप दिया सीधा बॉल थपेड़ के ऊपर, बॉल भी गई बैट भी गया और ये तोड़ दिया पूरा लेके बड़े लोग कर दिया मैंने लोगों तो बड़े होते थे यार। बहुत अच्छा इंजॉय किया हम लोगों ने, जितना भी टाइम इवेंट में इंजॉय किया मजा आया खेलने का, क्रिकेट खेलने का मजा आया। कमाल भाई आपकी एक तो जरा शाहजी पे थोड़ा बता दें, परवेश शाह को कितना झेला आपने, कितना शाहजी 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 और मैं साथ गए थे यूबीएल में। अच्छा वो फिर आपको बात शाहजी की बातें कभी सुनी मैंने शाहिद भट्ट से बाद में, लेकिन मैं साथ नहीं। अच्छा आपने अच्छा कमाल भाई आपने ना 70s की जनरेशन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, 80s ऑल थ्रू आउट खेला और 90s में भी खेले, क्या फर्क पाया क्वालिटेटिवली प्लेयर्स में, माइंडसेट में, क्रिकेटिंग कंपेटिटिवनेस में, क्या फर्क लगा आपको तीन जनरेशंस का? ठीक है, हर स्टेज पे क्रिकेट कंपेटिटिव थी लेकिन नंबर ऑफ गेम हमारे कम थे। 70s में उसकी खाली पेटेंट ट्रॉफी होती थी, अगर फर्स्ट राउंड में बाहर होकर तो बात होती, इसलिए लोगों को ज्यादा खेलने का चांस नहीं मिलता था। प्लेयर तो मोर ऑर लेस वही थे, उसी क्वालिटी के थे, विकेट ज्यादा अच्छी हो गई थी, विकेट खराब नहीं थी लेकिन विकेट और अच्छी हो गई थी। स्पिनर का दौर था 70s का, लोग ज्यादातर स्पिनर पर प्रैक्टिस करते रहे, ज्यादा स्पिन पे खेलते, फास्ट बॉलिंग ज्यादा थी नहीं, तो ये था। फिर अच्छा हो सके गेम 80s में आया, तो 80s में क्रिकेट वर्ल्ड हो गई, लीग हो गई, स्टेट लीग हो गई, 85 ओवर्स फर्स्ट इनिंग और चार दिन के मैचेस होते थे, डबल इनिंग मिल जाती खेलने के लिए और लीग होती थी, अब मैं डबल लीग भी होती थी कभी कभी, तो कम से कम आपको 14 मैच मिल जाते थे, 28 इनिंग मिल जाती थी। उससे पहले था पहले राउंड में बाहर हो गए तो पूरे सीजन आपका खराब हो गया, तो क्रिकेट बेहतर होती जाती थी, अभी भी क्रिकेट बेहतर होती जा रही है, जब भी मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम क्रिकेट इम्प्रूव होती जा रही है। सिर्फ आदमी का जो दिमाग है ना अभी आजकल के लेटली जो है वो थोड़ा रिव्यूड हो गया, इन द सेंस के अब उनको हर चीज को ग्रांटेड मिल रही है, और ग्रांटेड मिल रही है एवरीथिंग, ये पहली बात है। और आपने क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स में क्या फर्क पाया डोमेस्टिक लेवल पे 70s 80s 90s? देखिए जितनी पहले हम लोग का सेशन था ना, जो जैसे 70s में हम लोग खेले शुरू में, ग्राउंड में आ गए हम लोग व्हाइट कपड़े में आके बैठ गए, अभी चलो 9:15 बजे ग्राउंड में पहुंचे, फर्स्ट क्लास मैच के अंदर भी आके बैठ गए ग्राउंड के अंदर और चलो फील्डिंग है, चलो भाई एक आध कैच पर फील्डिंग में चले चले गए, ऐसा होता था, डेवलपमेंट नहीं थी। नेट प्रैक्टिस भी किया था, प्रैक्टिस भी फिटनेस ट्रेनिंग नहीं होती, नॉर्मली होता रहा ऐसा, आखिर में हाई कैच पकड़ लिए, लो कैच पकड़ लिए। फिर जब से कैरी पैकर आया ना 77 में, आरुण रशीद वगैरह ने सीख किया चीज़ें, मतलब क्या करता क्या नहीं, फिर उन्होंने प्रेपरेशन करा यूबीएल में आने के बाद, यार कि ट्रेनिंग कैसे करते हैं, मैच से पहले ग्राउंड में किस तरह आते हैं, अपने आप को अपनी बॉडी कैसे लूज करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वार्म अप किस तरह करते हैं, प्लस वन टू वन वर्कआउट कैसे करते हैं अपने आप गेम के ऊपर, वहाँ से एक बेहतरी चली आती गई, अच्छा होता गया इंसान का, तो इंसान रिफंड होता गया, या अपनी तैयारी भी करनी है, पहले 9 बजे घर से निकलते थे 9:15, अब घर से निकल पड़ते 8 बजे निकलना पड़ता था अपनी तैयारी प्रिपरेशन के लिए, तो क्रिकेट अच्छी होती गई, इस ये फर्क है। अच्छा कमाल भाई एक और चीज इससे पहले कि राशिद की तरफ चलें, कि आपने आपका तो जो डेब्यू हुई है वो कोरंगलोर के फाइनल में करवाया गया था 75-76 में शायद पीडब्ल्यूडी के अगेंस्ट, सो आपका तो बड़े मैच में डेब्यू हुआ था। नहीं नहीं मेरे मैच कराची में हुआ था, मैं मोहसिन खान जावेद उनको तब एक साल पहले खेल रहे, लेकिन मैं जिस टीम में खेला था ना डेब्यू वो अगेंस्ट पीडब्ल्यूडी था कराची खाना में, ओके, उसमें जावेद भी था, मोहसिन भी था, फारूक किरमानी था, बहुत अच्छा प्लेयर था कराची का, मकसूद था, हमारी बहुत बड़ी टीम थी, रचीस का कैप्टन था हमारे, वहाँ डेब्यू हुआ था कराची में। ओके जी राशिद भाई। जी कमाल भाई मुनव्वर स्पोर्ट्स की जरा दास्तान सुनाया कि वहाँ पे जो हमने जो भी मोस्टली प्लेयर्स आते हैं हमारे पास हम बात करते हैं क्लब क्रिकेट को जरूर हम छेड़ते हैं, क्योंकि आजकल जो जिस चीज की मुझे कमी नजर आती है पाकिस्तान क्रिकेट में वो है क्लब क्रिकेट, तो वो अपना दौर जरा बताइएगा कि किस तरह की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ करती थी। असल में हम लोग जिस क्लब से आए ना मोहल्ले क्लब से सदर में रेबर स्पोर्ट्स से, फिर महमूद साहब को तो पहले से जानते थे, महमूद यार जो हमारे कोच थे जी जी जी, उन्होंने हमारे टेक ओवर किया हमारे क्लब को, फिर उन्होंने चलाया तरीके से, सिस्टम बनाया उन्होंने क्लब में, डिसिप्लिन कैसा होता है, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मैच कैसे खेलते हैं, सारे वो प्लान आउट करके आते थे, कैप्टन को बताते ऐसा खेल के चलना है हम लोगों ने, तो हम डिसिप्लिन से खेलते थे हम लोग, प्रैक्टिस हमारी होती थी हफ्ते में 4 दिन, वो नेट रन करते थे और 3-3 घंटे प्रैक्टिस हमारी होती थी, फिर वो बताते बैटिंग ऑर्डर सेट करना, फिर बताते प्लान आउट करना, शुरू में 10 ओवर में कैसे खेलना है, 15 ओवर में कैसे खेलना है, जिसने अगर 100 भी कर दिए हैं और आउट होगा तो बोलते नहीं 100 नहीं करना, तुमने नॉट आउट आना है, उनके बुक में था नॉट आउट आने, तो मैनेज करते थे टीम के लिए। फिर आस्ते आस्ते हमारी टीम में इकबाल सिकंदर आया,
अनिल दलपत बहुत बच्चा है, छोटा होता है अनिल दलपत बिल्कुल, मैं उस समय मेरा कमाल, मैं कैप्टन था जमाने में कि कमाल इसको जाएंगे पिक कीपर बनाएंगे, मैं सब बीतो भी यार वैसे बहुत छोटा से लड़का है, पहले कमाल को छोड़ दो मेरा काम मैं करूंगा। फिर महिंदर आया, फिर भरत आया, फिर रईस आया, रईस पहले आया था इन लोगों से, महमूद रशीद था, इकबाल सिकंदर, इकतदार, सलीम राणा, यानी गदन पर, यानी जो हमारी टीम थी उसमें से ऑलमोस्ट लेकिन 13-14 लड़के फर्स्ट क्लास खेले हमारे, तो उनका सिस्टम चलाने का बहुत अच्छा था, हमने कराची के कई टूर्नामेंट जीते, लेकिन जीतने के अलावा हम सीखे क्रिकेट बहुत महमूद साहब से, उनका मेन चीज डिसिप्लिन, अगर बंदा लेट आ रहा है तो वो बैटिंग टाइम पे नहीं करेगा या बॉलिंग टाइम पे नहीं करेगा, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट का होता ना ऐसा सिस्टम महमूद साहब ने बनाया हुआ था क्लब क्रिकेट के लिए, जो होगा ना कंप्रोमाइज नहीं होगा, डिसिप्लिन के ऊपर बाकी देखी जाएगी। कमाल भाई आपने बहुत सारे नाम लिए जिसमें इकबाल सिकंदर वो खेले, महमूद साहब के अंडर में खेले, मोहिंदर कुमार, भरत कुमार दोनों बड़े अच्छे प्लेयर थे, इक्तदार अली शाह का शायद आपने नाम लिया है, इक्तदार अली जो गुड प्लेयर जो अलाइनमेंट से खेलते थे शायद उन्हीं का नाम है, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर थे, तो भाई इक्तदार अली भाई वाला, ये सारे आपके क्लब में आने के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए थे या बने बनाए आए थे? सब हमारे क्लब से बने, हाँ सब मेरे क्लब से बने, सब मेरे क्लब, और बताए मेरी आदत क्या थी, मेरे को मेरे कोच ने बहुत पहले बोल लिया था शुरू में, कमाल देखो बात सुनो तुम्हारा फोटो अखबार में कराना चाहिए, आई डोंट केयर, तो इसलिए कमाल मैं ओपन बॉलिंग करता था, वो बैटिंग में भी ये कहेगा कमाल सेंचुरी मारनी है तो बॉलिंग आएगी ना तो फॉरगेट दैट यू वर अ बैट्समैन, आप बॉलिंग करेंगे, तो आपको पता है कि वो क्रिकेट 50 ओवर की होती थी तो मैं 22 ओवर या 20 ओवर सेंचुरी मारने के बाद लगातार करते रहता था, मैं मैच जीतना हम लोगों ने, मैं दूसरे पर रिलाई नहीं करता था, अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं बॉलर नहीं हूँ, बैटिंग करते बैटिंग, इस तरह महमूद रशीद भी था, इकबाल सिकंदर भी था, कई महेंद्र भी था, सब प्लेयर वहीं से बने, सारे फर्स्ट क्लास, मैं भी वही फर्स्ट क्लास बाद में खेला हुआ थे सारे प्लेयर। अच्छा कमाल भाई मुझे आप एक चीज बताइएगा कि आपने लाइफ सर्व कर दी अपना क्रिकेट में, तो डू यू रियली थिंक कि कभी आपको ऐसा लगा था, क्योंकि 70s में तो शायद हमारी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट अनचेंज टीम ही होती थी पाकिस्तान की, और 80s में अगेन एक सेटल हो गया कॉम्बिनेशन, तो आपको कभी लगा था यू विल प्ले फॉर पाकिस्तान, या आप डेडिकेटेड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और क्रिकेट आपका पैशन था, आपने कभी सोचा नहीं था कि आप पाकिस्तान खेलेंगे, या कभी सोचा ख्वाब देखे ट्राई किया कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई? देखिये जब पाकिस्तान नेट खेला ना मैं परफॉर्म किया मैंने, लेकिन बात यह है अगर आप आओ ना वैसे मैं इसको, लेकिन आई फील गुड राइट के मैं यूबीएल से खेला पार्ट ऑफ दैट टीम ना, लेकिन उसमें नुकसान भी हुआ फायदा भी हुआ, फायदा है कि मैं अच्छी बड़ी टीम में खेला, नुकसान ये हुआ कि डिस्पाइट गेटिंग रन और गेटिंग विकेट में नेक्स्ट मैच ड्रॉप, विक्टिमाइज नहीं है, बैंक की जरूरत थी, बैंक ने बोला था हमने आपको लिया है हमारे काम के लिए, एक कहावत होती ना माई वे हाई वे, हमारे तरीके से खेलोगे वरना रास्ता गेट खुला हुआ, ठीक है ना, तो हम वहां से खेलते थे, तो जब मैं 80 तक खेलता रहा ना मैं, तो मैं पहले जस्ट प्ले फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग राइट, कोई ऐसा ओवरली एम्बिशियस नहीं था, मैं खेलते रहता था, मैं फिर वर्ल्ड कप शुरू हुआ जो मेरा मेन गेम है, वन डे कॉम्पिटिशन वर्ल्ड कप शुरू हुआ 80 में शुरू हुआ ना, तो उसमें आप अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे ना तो 10 ओवर की लिमिट होती थी, में पहले 9 ओवर की लिमिट थी, 45 ओवर का मैच था, फिर 50 का हुआ, तो मेरे 20 ओवर 10 ओवर में 18-20 रन जाते थे, अगर आप देखोगे 22 रन ज्यादा 24 चले गए, तो मैं उस क्वालिटी का बॉलर था, फिर आखिर 3-4 साल बाद मैंने रियलाइज किया कमाल यार मैं जब पाकिस्तान के हर बैट्समैन को मैं अपने मर्जी से खिला सकता हूँ, तो हर बैट्समैन के बाद रहा हूँ एक्सेप्ट फुजैर अब्बास, उनको मैं कवर करी कमाल, उन्होंने मुझे मिड विकेट ड्राइव मार के सिंगल ले लेते थे या कभी दो ले लिए, फिर लंबे छक्के पर कोई नहीं मारे लगा, शुक्र है पूरे पाकिस्तान में जितने भी मैं वनडे मैच खेला हूँ जितने भी टिल द एंड अपार्ट फ्रॉम वन टू गेम्स मेरे सारे मैच ऐसे गए 10 ओवर 28 रन 24 रन 22 रन 18 रन ये मेरे गए, तो मैं फेल के मैं पाकिस्तान टीम अगर भी चांस मिलता वनडे का तो मैं कमाल वनडे खेल सकता था, लेकिन वो मेरे को नहीं मिला, लेकिन 84 में मेरे को मिला बस लोग मेरी कॉल शारजा कप जो मेरे को बनता था, फिर मेरी जगह मंजूर लाया गया जो मेरे से अच्छा प्लेयर था, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है नहीं खेला कमाल नहीं खेला यार कमाल है राशिद भाई, एक बंदा बैठ के कह रहा है कि मेरी जगह मंजूर लाई आ गया जो मेरे से बेहतर प्लेयर था, यार ये करेक्टर आइलैंड में क्यों बैठे हुए, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है राशिद भाई, उसने परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी जी राशिद भाई। कमाल भाई अंपायरिंग में क्यों सीरियस हो गए थे आप? मैंने देखी है जो कैरेक्टर आपका एज ए क्रिकेटर था वो वो अगर मैं खेल रहा होता ना तो बहुत मजा आता आपके साथ
बिल्कुल सही बात है, मुझे सलीम बदर ने एक बार बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी, एम्पायरिंग में शुरू से क्लब मैच में आपको पता है कि क्लब के फ्रेंडली मैच भी होते थे ना, दे वर मच मोर सुपीरियर देन टूर्नामेंट नाउडेज ना, बहुत होते, मैं एम्पायरिंग करता रहा। फिर जब मैं आयरलैंड गया ना, तो आयरलैंड में कोचिंग करता तो अंडर 15 के मैच में एम्पायरिंग करनी पड़ती, 17 के मैच में एम्पायरिंग करनी पड़ती थी, तो एम्पायरिंग में लगाव था काफी ना, तो मैं एम्पायरिंग के लिए अपने आपको तैयार किया था, मैं एम्पायरिंग में करूंगा कमाल। तो जब एम्पायरिंग का मतलब सलीम बदर ने मेरा कमाल जब एम्पायरिंग करनी है ना, तो कोई भी आपका दोस्त नहीं, ये आपने नोट किया होगा, आपका कोई भी दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं आपका, लेकिन ये आपको वेरी मच अलूफ, आप दूर रहना, आपने सलाम दो करके एक तरफ हो जाना। तो मैं बड़ा सीरियस होता था कि कमाल कोई जैसा कॉन्सेंट्रेशन, प्लस दूसरी कोई समझे नहीं कि यार मेरे से जरा फ्री कोशिश कर रहा है, फ्री होने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैं जरा सीरियस था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था सीरियस होना देर तक के लिए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कमाल भाई एम्पायरिंग का आपने? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, मैंने 7 साल एम्पायरिंग किया। कमाल भाई आप जनाना अंपायरिंग क्यों करते थे, आपने मर्दाना अंपायरिंग क्यों नहीं की इंटरनेशनल? मैं या भी करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड ने मुझे बोला, मैं एक मैच खेलने गया था, मैं अंपायरिंग करने गया था T20 के मैच ना, तो बदर रफाई ने मुझे बोला कमाल टूर्नामेंट चल रहा है, और बोर्ड ने बोला कि कमाल का जो है डिटेल्स ले लो, शायद कमाल को हम लोग कंसिडर करेंगे भेजने के लिए, तो या किसी वजह से मालूम नहीं है, या मेरा रिकॉर्ड देख के जो भी, आई डोंट नो। तो मैंने अपने दे दिया, फिर मुझे बोला कमाल आप टीम के साथ जा रहे हो, और बात वो तो टीम की आ रही, पाकिस्तान टीम वो मेरी टीम थी, आयरलैंड की टीम मेरी टीम थी, आयरलैंड टीम में 6 लड़कियां थी, मेरे क्लब की थी। अच्छा, जो आयरलैंड की टीम थी उसमें 6 लड़कियां मेरे, जिससे 4 महीने 5 साल मेरे काम कर चुका था वो थी, और एक साउथ अफ्रीका की टीम थी। तो वो 18 दिन का टूर था, बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मजा आया एम्पायरिंग करने के टाइम पर। तो वो खाली एक टूर्नामेंट था लेडीज का जो मैंने किया था एम्पायरिंग, उसके बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट मेरा नहीं वजह करने के लिए ना। कमाल भाई लेडीज का क्या टेम्परामेंट और मजाज होता है अंदर? कुछ ज्यादा नर्वस होते हैं वो लोग, आपने काम किया है अपना केविन ओब्रायन और नाइल ओब्रायन और विलियम पोर्टरफील्ड और इनके साथ? नहीं, मैंने 2000 में काम किया नाइल के साथ, नाइल में आया था कभी कमाल के भी बात करता था, और केविन, केविन तो बहुत छोटा था 15 का, तो केविन साथ भी काम किया था 2 दिन। अब मैं इनके भाई के बेटे के साथ काम कर रहा हूँ, वो भी आयरलैंड खेलेगा। ओके, आपको क्या लग रहा है कि इनको प्रीमैच्योर टेस्ट मैच स्टेटस दे दिया गया या ठीक दिया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था टू केटर फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट? वनडे में तो इन्होंने परफॉर्म किया है ना जी। दोनों आपने बात बिल्कुल सही बोली, जब इनका टेस्ट मैच मिला तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, मैं बोला कि मैंने ये बोला कि यहां का यू हैव टू गिव योरसेल्फ एट लीस्ट 3-4 इयर्स टू गेट दैट लेवल, फिर भी हम वो लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हमें स्टेबिलिटी ले आ जाएगी हमारी, कि हम बांग्लादेश को हरा देखेंगे, जिम्बाब्वे को पकड़ लेंगे और टीमों को पकड़ लेंगे हम लोग। तो अभी सब रीजन हमारे अच्छे प्लेयर थे वो रिटायर हो गए, तो हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं रही। अब मैं रिग्रेट करता हूँ कमाल यार, हम लोग जल्दी मिल गया, हम लोग ये वो इतना डिजर्व नहीं करते थे जो जल्दी मिल गया हमको। उस टाइम पर मैं बिल्कुल पॉजिटिव था, कमाल सही चांस मिला, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस के बाद लगता था कमाल इनको 2-3 साल पहले चांस जल्दी मिल गया। जी राशिद भाई, कमाल भाई 2007 में जब आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया था तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं अमेरिका में था, और ऐसी बात थी जिस दिन मैं था मैं क्लब पर मैच एम्पायरिंग कर रहा था, तो मैंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी, मतलब दोनों क्लब मेरे, दोनों मुल्क मेरे मेरे, पाकिस्तान में आयरलैंड में, इसलिए मेरे आयरलैंड में दोस्त का भी खेल रहा था उस टाइम पर ना, काल में कैलेंड भी खेल रहा था, और मैं नायल केविन का मुझे मालूम था, केविन गया हुआ है, नायल का मुझे मालूम था, और दोनों को मैंने बोला था, नायल को भी मैंने बोला था और कायल को मैंने बोला था, कमाल अगर नायल अगर तुम लोगों ने 50 या 60 कैप नहीं ली आयरलैंड के लिए तो आप वेस्ट कर गए अपने आप को। तो कायल कोई 250 कैप ले गया, नायल कोई 200 कैप ले गया। अच्छा, आयरलैंड में था। अच्छा, आयरलैंड दुख तो होता मेरे को, लेकिन वो जो कैप्टन था ना हमारे क्लब का कैप्टन था ट्रेंट जॉनसन, जो आयरलैंड कैप्टन उस टाइम पर वापिस हम यूबीएल पे आ जाते हैं। कोई आपने बहुत काम किया मुझे पता है, जो वाकयात आपके सुने, आप अपनी जुबानी इसहाक भाई के साथ कोई ऐसा हुआ हो या इरफान मिर्जा को आप तंग करते होंगे? इरफान नहीं नहीं नहीं, इतनी हिम्मत में नहीं थी ना इरफान भाई को, ना इसहाक भाई को तंग नहीं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट चलाते थे। लेकिन इरफान भाई में एक बात ये थी कि बहुत सही बात है, वो उनका सिस्टम पे चलाने का, जैसे आज मैच हम लोग खेले जीते, तो फॉर इंस्टेंस कमाल मेहनत मैच उन्होंने कमाल गले लगा लिया, अब कल सब आप पहुंचेंगे भाई हेड ऑफिस पहुंचेंगे, फिलीम मलिक से मिलना है या किससे मिलना है, सब पहुंच गया भाई 11 बजे पहुंच गया, हम बैठे हैं रूम में उनके, तो इरफान भाई आया वॉक करते अपने केबिन में चले गए, हमने सलाम अलैकुम कहते हैं सलाम अलैकुम, वो अपने केबिन में चले गए बगैर सलाम के जवाब दिए, चलो कोई बात नहीं है, बात आगे पूछती है बंदा कौन था सलाम कर रहा था,
तो उनकी पॉलिसी थी कि किसी को सरपड़ी चढ़ाना है, क्या थे कल तुम ग्राउंड में थे, तुम हीरो थे, आज तुम भविष्य शुरू करोगे। तो उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइट थी। पैसा भाई तो आप दर पर अभी मजाक नहीं कर सकते, भाई तो आप एटीज में मतलब मैं रीज आया 80 के करीब करीब मेरे क्लब में आया। दो ये पाक पैरागॉन में बैटिंग कर रहा था तो बड़ा सीधा साधा लड़का था बिल्कुल ना ऐसे ना, तो मुझे बोला कैसी बैटिंग करनी चाहिए। मैं बोला था कि सीमेंट विकेट है, तेज विकेट है, थोड़ा फ्रंट फुट पर खेलने, दो चीजें मैंने बताई इसको असल में आगे इसके पास। फिर नेट पे आया तो उसी तरह खेले जैसे मैंने बता रहा था इसको। फिर ये सुनता था, उस पर अमल करता था, हार्ड वर्किंग क्रिकेटर था लेकिन बात कम करता था। वैसे भी नॉर्मली लाइफ में कम बात करता है लेकिन हार्ड वर्किंग क्रिकेटर था, जुनूनी प्लेयर होता है ना, वो जुनूनी प्लेयर था। उसका हम दोनों साथ बांग्लादेश भी खेले थे एक सीजन के लिए, तो देख लिया इसका मजाक। रूममेट भी थे हम लोग काफी हद तक, क्लब से भी साथ खेले हम लोग, वैसे हमारी कंपनी गैदरिंग बहुत अच्छी है। तो रेस का एक मिजाज है उस पर चलता है वो। एज ए क्रिकेटर तो बहुत हाई क्वालिटी प्लेयर था, अनलक्की जो बास्कर नहीं खेल पाया, इंजर्ड हो गया एक दो मरतबा और तरीके से, या उसको सही टास्क नहीं मिला। जैसे मुझे बता रहा था अभी कि मेरी बात हुई, बोले जब मैं पाकिस्तान के में बुलाया, जब वेस्ट इंडीज टीम जा रही टूर के लिए, तो मुझे मैट पे बैटिंग कराई, मैं इम्प्रेस हो गया इमरान। फिर बोला कि फिटनेस की बात निकली तो बोला मैं रनिंग कर रहा था इमरान खान साथ साथ पूरी टीम के साथ साथ, इमरान ने 10-12 राउंड लगाया। बोला मैं 3 राउंड के बाद वो तो तरपाल होती उसके पीछे छुप गया जाकर मैं फिर नहीं गया, इसलिए बोला मेरा कमाल मेरे में जान नहीं थी ना, मैं क्यों भागू भाई, मैं तैयारी नहीं था भागने के लिए, मैं नहीं भागा। बाद में इमरान खान ने बुलाया, अभी बस सब बहुत अच्छे रही, तुम बहुत फिट हो माशाल्लाह, बहुत तो भागे तुम, लेकिन तुम 3 तरपाल के भी छुप गए, 3 राउंड के बाद छुप गए थे। इमरान खान ने नोट करी, रही साहब रही सच बोलता है, झूठ झूठ नहीं बोलता, हैंकी पैंकी रही आदमी नहीं है, वो सीधी बात करता है। उसने बोला भाई देखो मैं ट्रेनिंग करके नहीं आया था, आपने बैटिंग बॉलिंग करानी है, मुझे टाइम दो, मैं फिटनेस निकल लूंगा। यही बात बांग्लादेश में बोली, बांग्लादेश में बोला मुझे भगाओ नहीं, बांग्लादेश में बोला आपको परफॉर्मेंस चाहिए, मैच जीते मैं जीताऊंगा, मैं प्लेयर हूँ 18 ओवर का, 18 ओवर में तुम्हें मैच जिता दूंगा। और ये होता रही 18 ओवर में मैच जीता रहता था, या बैटिंग या बॉलिंग में। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका स्टैमिना ऐसा हो कि वो मैराथन रनर हो, ऐसा नहीं करता रहा। कमाल भाई, कौन प्लेयर आपके जमाने में बैट्समैन और बॉलर जो कि आपको पसंद आए हो पूरे पाकिस्तान से, जो डोमेस्टिक में खेले हो, या ये प्लेयर ना बहुत ही मजा आया इसके साथ खेलने का, चाहे आपकी अपनी टीम का हो चाहे दूसरी टीम का हो, तो कुछ प्लेयर्स तो होते हैं जिसको आप लाइक करते होंगे। एग्जैक्टली मैं थोड़ा फॉलो करता रहा फारूक किरमानी को, जो आजकल कनाडा चले गए, जो मैं शुरू में खेला ना, तो मोहसिन, फारूक किरमानी, जावेद मियांदाद और ये ग्रुप था जिस वक्त मैं खेल रहा था, ये मेरे से 2 साल आगे थे 3 साल आगे थे। लेकिन जब जो जावेद बैटिंग करता रहा, मियांदाद बैटिंग करता रहा, वो फारूक किरमानी बैटिंग करता रहा, जितने जावेद बनाते थे किरमानी से 2 रन बनाता था, वो कनाडा चला कैसे भागे, उससे बड़ा इंप्रेस था। फिर मोहसिन से बहुत खेला क्रिकेट जिमाना में, मोहसिन क्लास थी, जावेद का तो खैर बोलने की बात नहीं, हम साथ खेले अंडर 14 से, उसकी भी क्लास क्वालिटी थी। ऐसे प्लेयर थे ना जिसको देखने, हाँ एक प्लेयर अली जिया, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, तो पाकिस्तान नहीं खेला तो उसको अफसोस है, लेकिन वो एक क्वालिटी प्लेयर था, देखने का प्लेयर था वो। फिर रईस आ गया, ऐसे प्लेयर आते देखने वाले प्लेयर थे। ये तो बैट्समैन हो गए, बॉलिंग बॉलिंग में मंसूर भाई के बात करते हैं कमाल भाई, मंसूर भाई सेम अच्छी कैटेगरी में आते हैं मंसूर भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं इक्वेट हो सके जिस तरह के वो खूबसूरत खेलते थे फर्स्ट क्लास में। देखिये मैं फिर बात से बात कर रहा हूँ ना, जो अभी जो अगर मंसूर आजकल होता तो मंसूर इतना फेल नहीं होता, इसलिए क्या वर्कआउट नहीं करते पर्सनल होता। टेक्निकल बात में मैं काम ही टेक्निकल काम करता हूँ कोचिंग के ऊपर, तो मुझे मालूम है कमाल कहाँ फ्लॉप किसी बंदे का, मैं ही देखता हूँ टीवी मैच भी देखता हूँ, तो मंसूर का जो फ्लॉप है ना, अगर मंसूर आजकल के दौर में होता तो ये अपनी 1-to-1 ट्रेनिंग करके अपने आप को जो ऑफ का एरिया वो सही कर लेता है। मंसूर को किसने बताया नहीं, मंसूर को पता नहीं था कि वीकनेस क्या है, कि जो खराब पॉइंट क्या है, मंसूर को वही आउट होता ना ज्यादातर जहाँ उसका वीक पॉइंट था। और मैं बताऊँ, मैं ज़रा एलेबरेट नहीं कर रहा था क्या खराबी थी, लेकिन वो खुद समझ जाता, कोचिज इतने बसता है, मंसूर एक को बुलाता यार 200 बॉल फेंक मुझे जरा कवर ड्राइव पर, या स्क्वायर कट पर, या ऑन ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव के पर, मंसूर का फ्लो ठीक हो जाता। प्लेयर मंसूर तो देखा है कि मंसूर को एक मात्र मंसूर में बहुत अच्छी बात है
मैं देख रहा हूँ मंसूर सेंचुरी मारेगा तो भी सीधा रहेगा, जीरो बनाएगा तो रहेगा सीधा रहेगा। उसने देखा नहीं कि सेंचुरी मार, दो सेंचुरी मार के शोभा दिया करे, उछले कूदे नहीं, बहुत सीधा बंदा शुरू से। मैंने मंसूर को भी देखा नहीं कि ओवर डिजॉल्ड हुआ, क्रिकेट फील्ड में कभी नहीं हुआ। क्रिकेट फील्ड के बाद तो हमारा बहुत से टेम्परमेंट साथ रहा तो वैसे था, लेकिन प्लेयर मंसूर बहुत अच्छा प्लेयर था। और बॉलर जैसा अभी राशिद ने पूछा आपसे कि बॉलर्स ऑफ योर टाइम, बॉलर देखे स्पिनर में तो अगर देखे जाए तो फास्ट बॉलर तो मुझे को ऐसा लगे नहीं लेडी पेनल्ट। हाँ शम्भू भाई थे, शाम भाई का जवाब वो एक बॉलर में दिमाग में आता है हम लोग के लिए, जिससे जान निकलती थी टीमों की, हमारी टीम भी जान निकलती थी, हम लोग की जान निकलती थी कि शम्भू भाई आ गए, क्या व्हाइट विकेट हो ग्रीन विकेट हो शम्भू भाई ने उड़ा के रख दिया, इसीलिए व्हाइट विकेट में वो, तो इसीलिए यूबीएल ने ले लिया था तशामुद्दीन साहब को। बिल्कुल सही बात है, बात यही कि देखो अगर हमारे अंगेज नहीं खेले तो अगर हमारे लिए खेला हमारे अंगेज भी नहीं खेले, कभी बार बैठे सब खुद कोई बार बैठ जाते थे, ये तो मालूम है कि हमको आउट नहीं करेगा। शोभा भाई तो किसी पाकिस्तानी बॉलर टीम को वाइट विकेट पे या ग्रीन विकेट पे लेंथ पे पांच ही लगे होते थे। अच्छा ये बात ठीक है कि जब सीजन के एंड पे आप लोगों ने मतलब इरफान मिर्जा साहब ने बुलाया यार कि आप नेशनल बैंक में थे तो 60 आउट करते थे, इस दफा 40 आउट किए हैं, तो चम्मो भाई ने जवाब दिया 20 तो आपके ही करता था ना, मैं उसी टीम में आ गया, ये बात ठीक है क्या? हाँ ये बात हुई थी लेकिन मेरी मौजूदगी में, मैं सब मीटिंग में नहीं था लेकिन उन्होंने की थी, सही बात। इसमें शाहू भाई तो बट आउटस्पोकन बंदे, लेकिन वो शाहू भाई हमेशा आउटस्पोकन बंदे रहे हैं, लेकिन वो तरीके से बात करते थे, रूडली बात कभी नहीं करते, आज तक रूडली बात नहीं करी। और एक्चुअली बनते कि बहुत लाइकेबल पर्सन हो गए क्रिकेटिंग सर्कल में, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारे लिए तो हर बहुत रिस्पेक्ट है, शाहू भाई के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, यानी कि हमको आउट करते थे लेकिन वो एज अ पर्सन ऑफ क्वालिटी ऑफ बॉलिंग तो हर उन्हें देखने की थी, जिन्होंने नहीं देखा वो अनलकी है। कमाल भाई तो स्टॉस भाई जो थे तौसीफ अहमद, ये सुना है कि मीडियम पेस ऑफ स्पिन करते थे, काफी तेज करते थे तौसीफ भाई तो शुरू से बॉल निकलता रहा, वो फ्लाइट भी करते थे बॉल को बहुत तेज निकलता रहा, कभी ऐसा हो जाएगा मेरे बॉल कीपर तो छूट गया था चौका नहीं आता बाइक का, उसको बाद छूट जाता था चौका जाता था बाइक का, तेज बॉल तौसीफ भाई, लेकिन बहुत अच्छे मतलब कि हमारे परफॉर्मेंस बहुत करी तौसीफ भाई और खुर्शीद अख्तर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। हाँ एक बात आपको मेंशन करता हूँ, आपको मिल गया एक प्लेयर हमारा था जो अब इर्तिजा के हर इर्तिजा प्लेयर था जो किरमानी की जितना परफॉर्मेंस नहीं करते क्वालिटी किरमानी थी इसकी और किरमानी की अपना सॉरी हर इर्तिजा की जो पाकिस्तान नहीं खेल पाए अनलकी है लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा था वेरी गुड प्लेयर जी। मैं खेला एक दो मैच में खेला हूँ खालिद भाई के साथ क्लब के, बैकफुट पंच बहुत अच्छी मारते थे वो जब वर्ल्ड गुड प्लेयर वेरी गुड मोहम्मद असलम या असलम अली के साथ इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड असलम अली वो असलम अली था असलम अली बता दू जिंदगी में ऐसे बहुत कमल होते होंगे जिसके दुश्मन नहीं है वही हो गया क्या क्या इंसान है उससे आप मैं मतलब अगर आप भी मिलेंगे तो आपको दिल करता है उससे मिलूं। अगर आप जा रहे हो फुटपाथ पे जा रहे हैं ना और वो उस रूट पे जा रहे हैं आप इस रूट पे जा रहे हो यू फील लाइक केयर तो मैं सलाम करूँ या मिलू मैं इतना अच्छा बता दू। क्रिकेटर तो था ही अच्छा बॉलर तो था मैं शुरू में समझे यार ऐसे बेवकूफ सा आदमी है फालतू आदमी मैं महमूद रशीद बहुत रिकॉर्ड लगाते थे एक साल बाद सबको चुप करा दिया एक साल बाद शुरू में लग गई थी क्या हुआ था आप याद है? नहीं कुछ भी नहीं यार अच्छा मैं बता रहा हूँ ऐसे देखे जो आदमी सीमेंट पे छह बाउंसर खेलता है ना अनवर खान की और जलालुद्दीन की और उन लोगों की ना तो फिर प्रॉब्लम कोई भी नहीं है खेलना और विदाउट हेलमेट और थाईपैड भी पांच रुपए थाईपैड जीना स्पोर्ट के पैड लकड़ी वाले तो जब उसको कोई डर ही नहीं था कोई भी नहीं था तो मैं को बोला पापा ने यार ऐसा करते हैं हम लोग मोइन रफी को ड्रॉप करते हैं कमाल को डालते ओपन एक बॉलिंग हमारी लंबी हो जाएगी छह बॉलिंग कर लेते हैं हम लोग ठीक है। तो मैं ओपन गया तो मुझे मेरे वाले साहब ने बोला तो मुदस्सिर ने बोला मंसूर ने यार मैं हेलमेट पहले मेरा छोड़ यार हेलमेट में ये नहीं कि शोबाजी कर रहा हूँ मैं हेलमेट का भी नहीं हूँ यार बट वसीम अगर तो क्या होगा ऐसी बॉलिंग में खेलते रहता हूँ यार कोई सी बात नहीं है। तो थर्ड ओवर से बाउंसर गया मेरे को तो नॉर्मल बाउंसर था मैं जल्दी घूम गया तो मेरे बैक के साइड पे सीधे लगा सीधे पा मेरे कान पे लगा अगर उल्टे कान पे लगता तो समझता वो तेज है सीधे कान पे लगा मेरा घूम गया बॉल लगा मेरे को ऐसे मुझे कई बॉल लगती है सीमेंट पे कहीं मेरे को आंख पे लगी कभी कान पे लगी तो वो तो नॉर्मल चीज थी सीमेंट पे आप जानते हो बाउंसर होती रहती है छह छह बाउंसर होती थी
कोई दो बार कुछ भी नहीं, पाबंदी नहीं थी ना। तो सलीम जाफर वाला वाकया बता दें कि वो रक्षे वाला या गाड़ी में थे, आप उनको गाड़ी की चाबी दे दी थी आपने। वो नहीं, वो नहीं यार, वो नहीं, सलीम जाफर नहीं था। असल में मैं जा रहा था उधर, किधर हम लोग जाया करते थे हफ्ते में 3 दिन अपना उधर हेड ऑफिस, चलो यार बैठ के साइन करेंगे, वो ऐसी फॉर्मेलिटी थी, चाय पिए बैठ के, चलो ठीक है। मैं गवर्नमेंट हाउस के पास से कराची में मेट्रो पर के पास जा रहा था, एक लड़के ने हाथ दिया मेरे को कि मैंने बरहा मेरे को हाथ छोड़ दो, तो मैंने इसको सगले बिठाया पीछे। और जब मेरा हेड ऑफिस आया हम लोग प्लाजा के पास, मैं रुक गया, तो बोला क्या हुआ, तो बोला कि मैं बोला मेरा जगह आ गई है, बोला मेरे को तो आगे जाना है। मैं ठीक है, तो मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उतर जाता हूँ। क्या नहीं 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 ऐसी बात नहीं, मैंने उतर जाता, मैं उतर जाता हूँ, तू मोटरसाइकिल ले जा मेरी। बोला नहीं मेरा मतलब मोटरसाइकिल तू मेरी ले जा, क्या कर सकता वो बारे में। अच्छा 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 जी डॉक्टर साहब, कमाल, अमेजिंग। अच्छा कमाल भाई, मुझे ये बताइएगा कि व्हाई डिड यू क्विट एम्पायरिंग? कोच एक अंदर पलता था कि कोच था जो रोक रहा था कि नहीं यार मैं फील्ड का आदमी हूँ एंड आई शुड हैव प्रोडिजीज कमिंग ऑन, जो मैं प्लेयर्स डेवलप करूं, ये क्या वजह हुई? एम्पायरिंग में तो यू कुड हैव हैड अ वेरी नाइस जिसको कहते हैं ना फॉलो थ्रू, तो क्या 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 था, यहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई? सो व्हाट एक्चुअली टुक यू बैक टू कोचिंग? बात ये थी कि मेरे लिए दो ब्रेक हुए, देखो ब्रेक में ले लिए। जब मैं नॉर्दर्न आयरलैंड में खेला था ना, तो पार्ट ऑफ यूके, तो मेरे को असल में टूवर्ड द एंड ऑफ माय करियर ना, को मुझे फर्स्ट क्लास खिला नहीं रहा था मेरे को। तो मैं बोला कमाल यार, फर्स्ट क्लास नहीं मिल रही मुझे क्रिकेट खेलने के लिए, तो मेरा वर्क परमिट नहीं मिलेगा, मुझे वर्क परमिट मेरा इशू नहीं है यूके के लिए। तो मैं इसलिए मैं बोला कमाल ठीक है, मैं डब्लिन मूव हो जाता हूँ। डब्लिन मूव हो गया, डब्लिन में कोचिंग का लोड बहुत ज़्यादा था और मैं चाहता ही था। तो 2008 में मैं डब्लिन मूव हो गया, मैंने 99 में, और 2000 में वाईएमसीए से खेला, एज अ प्लेयर खेला, फिर कोचिंग भी करता रहा, वहाँ कोचिंग का बहुत रुझान है। फिर मैं अमेरिका चला गया कुछ टाइम के लिए। फिर 2008 में आया, तो मैंने हाँ, तो मैंने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला अपने 99 में। तो मैंने माई, उससे खेलने से पहले मैंने माई खान को लिखा कि मैं एम्पायरिंग करना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हमें बहुत खुशी है कमल, तो एम्पायरिंग पे रहो, ये बड़ी जगह बहुत खुशी है कि एम्पायरिंग पे रहे हो, कोई तुम 3 मैच हो तो एम्पायरिंग करो, ग्रेड 2 के मैच एम्पायरिंग करो बगैर किसी कोर्स वगैरह। मैं ठीक है, उसके अगर मैं फर्स्ट क्लास मैच लिए खेल लिया कि मेरे को आयरलैंड आने के लिए वर्क परमिट की जरूरत थी, फर्स्ट क्लास मैच के लिए मैं कराची से खेला। तीसरे दिन लेटर आया मुझे पाकिस्तान बोर्ड से कि भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो, लिहाजा आप दो काम नहीं कर सकते, जब आप क्रिकेट छोड़ दोगे तब एम्पायरिंग करोगे आप। मैं ठीक है, तो मैं डब्ल्यू लाया 99 में, सॉरी 98 में आया, और मैंने खेला अपना बेलफास्ट में। फिर बोला कमाल यार देख, मैं एम्पायरिंग भी करना चाह रहा हूँ और मेरे को फर्स्ट क्लास खिला भी नहीं रहा, तो बेटर क्विट। तो मैं डब्लिन मूव किया, डब्लिन में वर्क परमिट की जरूरत नहीं थी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के लिए, तो इसलिए मैं कोचिंग में आ गया। फिर मैंने एम्पायरिंग फर्स्ट क्लास एम्पायरिंग भी करी और इंग्लैंड का साइड मैच भी किया, और मुझे वन डे इंटरनेशनल भी मिला पाकिस्तान श्रीलंका का, जो 7 फरवरी को मेरा नाम आया किसी के साथ। तो मैं अमेरिका में काम कर रहा था, मैंने मना करते पाकिस्तान बोर्ड, तो मैं वन डे मैच नहीं करा, कराची वगैरह करने नहीं आ रहा। उन्होंने नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। फिर पाकिस्तान आया, मैंने पिंडी में साइड मैच किया, उसके वो मेरा बड़ा अच्छा गया, लगा शुक्र मशीन कैप्टन, मोहम्मद वसीम कैप्टन था इंग्लैंड वाले मैच। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। फिर 7 में 8 में आया, तो मैं अमेरिका में एम्पायरिंग भी कर रहा था, क्रिकेट भी खेल रहा था, चीज़ें इंजॉय कर रहा था। जाने के बाद मेरे क्लब से, जो क्लब ने मुझे बुलाया था 13 में, क्लब वाले मुझे बुलाया, जब था मेरा सेटअप था 8 से लेकर 13 तक, कि मैं एम्पायरिंग भी कर रहा था पाकिस्तान में सेप्टेम्बर से लाइक अप्रैल तक, फिर यहाँ आया था मैं कोचिंग के लिए। क्लब वालों ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, इफ यू नीड रेसिडेंसी तो आपको यहाँ पर खाली 5 हफ्ते की लीव मिलेगी मुल्क से बाहर जाने के लिए, आपको इसी मुल्क में रहना पड़ेगा। तो मैंने पाकिस्तान बोर्ड को बोला कि यार मैं एम्पायरिंग नहीं करना चाह रहा हूँ और मैं क्विट करता हूँ एम्पायरिंग, इसलिए मैंने एम्पायरिंग छोड़ी मैंने। जो प्लेयर है, हमने देखा कि अकरम रजा ने भी कोशिश की, गुफार कादमी करते हैं, अलीम डार भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, हसन रजा भी, सादिक मोहम्मद ने एम्पायरिंग की, मोहम्मद नजीर जूनियर ने एम्पायरिंग की, जावेद अख्तर टेस्ट क्रिकेटर थे, कितना फर्क आपको लगा कि कंट्रोल गेम की समझ होती है, क्या क्या आपको बेनिफिट होता है बीइंग ए फॉर्मर प्लेयर एंड देन द एम्पायर, और क्या प्रेशर्स होते हैं एज एन एम्पायर, क्या फर्क है दोनों प्रेशर में? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो एक तो आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि देखो अगर कोई डिसीजन मेकिंग है ना, वो तो हमको मान चलता है, हमने खुद बेमानी करी, बेमानी से पहले गलत अपील करके आउट ले लिए, जो रियलिटी है जो है। तो किसमें
बॉडी लैंग्वेज कैसी इंपायर की होती है, कॉर्ट बैट अगर है या बैट पैट प्लेड है तो बैट्समैन की जो बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, इसका हमको एडवांटेज मिलता है क्या, हम इससे दौर से गुजर चुके हैं बैट्समैन कितने नखरे करता है, या कॉर्ट बैट होगा तो बैट्समैन कहां देखता है, इस टाइप की चीजें हो गया। और दूसरी बात यह कि जब हमको इंपायर गलत आउट देता था तो हमारे दिल पे क्या गुजरती थी, जस्टिस या इनजस्टिस। ये कमाल, अगर तुम किसी से जाति करोगे डेलिबरेटली विदाउट नोइंग, आपने उंगली खड़ी कर दी तो बैट्समैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। तो हमको सारी बिंग प्रैक्टिकल प्लेयर हमको सारी फीलिंग मालूम थी प्लेयर की, और प्लेयर की चालाकी भी मालूम थी हमारे को। जब मैं लेकिन पैर खड़ा हूँ तो आधा आया प्लेयर, कोई प्लेयर आया जैसा मेरे से हो चुका है, सर आप तो बहुत अच्छी इंपायरिंग करो, देखो उसने कॉन्फिडेंट नहीं दिया, नहीं मैं अपना मुंह खोलूं बकवास करने के लिए, ऐसी बात है ना, ऐसा होता है। अमित शाह ने बोला सर आप तो स्टीव बकने लग रहे हो, मैं दिलों बोला भाई मैंने बात नहीं करी, मैं केरल पर रहा, मैं दिलों बोला भाई ये मैं कर चुका हूँ बहुत साल पहले, मेरे को मत सिखा तू तो कौन लग रहा हूँ। ऐसे बहुत से प्लेयर करते थे ना, बहुत सर आप तो बहुत चैंपियन, देखो वो खराब गलतियां कर रहा है, यानी मैं मुंह खोलूं पागल हो गया, ऐसी बातें। तो ये हमको मिलता है एडवांटेज बिंग अ प्रैक्टिकल ना, तो प्रैक्टिकल फील्ड में रह चुके हैं तो हमारे इन एंड आउट क्या चीज होती है। बाकी जो डिसीजन मेकिंग होती है गलती होती है, गलती तो एम्पायरिंग में होगी, अगर एम्पायर में गलतियां नहीं होंगी तो एम्पायरिंग होगी नहीं, अगर एम्पायर में गलतियां नहीं होती तो ये 12 DRS क्यों, एक मैच में 12 DRS क्यों, रन ऊपर चले गया, स्टंप ऊपर चले, कॉर्बेट ऊपर, डाउटफिट के ऊपर चला गया, स्टंप ऊपर चले गए, नो बॉल ऊपर चले गए, इसे के जरिए भी पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर तो है, लेकिन डिस्पाइट दैट फिर भी गलतियां होती है। लेकिन मैंने जितना भी इंपायरिंग करी मैंने बहुत इंजॉय किया, गलती सबसे बड़ी गलती मुझसे भी हुई, बहुत सारी गलती करी मैंने, क्लब लेवल भी करी है और फर्स्ट लेवल में भी और T20 में भी, वनडे में भी, और चलते रहता है। अगर मैं इसको लेके बैठ जाऊंगा तो मैं इंपायरिंग नहीं कर पाऊंगा। कमाल भाई सबसे बड़ी, जी जी बोले 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 बोले, सबसे बड़ी बात में बिग ह्यूमन ना, देखें जो आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा क्या अंपायर्स का पाकिस्तान के अंदर, जो गोबिया को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट, कि एक दूसरे की लेग पुलिंग बहुत है एम्पायरिंग के अंदर आपस में, रेफरी की भी है यार, देखिए देख कैसा इसका स्टार्ट कैसा है, कॉर्बेन खा गया, ये फराड़ा खा गया, ये मैं समझता हूँ मॉरली भी और पिछला भी, तो उसमें भी आखिरत के लिए भी बहुत गलत चीज है, किसी की बुराई करोगे तो आपके साथ आ जाएगा। मैंने कहीं देखा बोला यार कैसी गंदी इंपायरिंग करी, नेक्स्ट मैच को खराब हो गया, तो ये कई चीज सीखी इंपायरिंग से, इंपायरिंग ने मुझे काफी चीज सिखाई है, बहुत सी सिखाई चीज है ये मुझे। एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड आपने अपने दौर में खेलते हुए भी देखा होगा, बाद में आपने खुद एम्पायरिंग की, तो क्या चेंज आया, आपको कैसा लगा कि हमारे स्टैंडर्ड ठीक है? हमारा स्टैंडर्ड फाइव मैच बैठा जिसमें मैं खेल के गया हूं ना 70 से लेकर 80 तक, उसके मुकाबले में एम्पायरिंग यहाँ की बहुत अच्छी हो गई है। लोग बोलते हैं ना पाकिस्तान की एम्पायरिंग खराब है, उनका दिमाग खराब है, उनको बुला के इंग्लैंड में एम्पायरिंग देख लो आगे पाकिस्तान की एम्पायरिंग, पाकिस्तान की दुनिया में एम्पायरिंग फर्स्ट क्लास की बहुत अच्छी एम्पायरिंग है। लोग ऐसी हमको अंडररेट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बोला आके यहाँ के देख लो, जो मैं कलाजी क्रम में इंपायरिंग करता हूँ या गलती इंपायरिंग होती है, तो आप बोलोगे पाकिस्तान वाले का इंपायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, यहाँ के चेक एंड बैलेंस भी है, यहाँ का चैलेंज मैं चेक एंड बैलेंस है यूके का भी इधर का भी, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे कराची का, लाहौर की इंपायरिंग मैंने देखी नहीं, क्लब की कराची क्लब की इंपायरिंग बहुत अच्छी है, और कराची का फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड भी इंपायरिंग का बहुत अच्छा है। लोग बोलते नहीं खराब है, वो गलत बात करते हैं, हमारे बैट भी अच्छे। कमाल भाई अब आते हैं कोचिंग की तरफ, कोचिंग आपने पाकिस्तान में भी की होगी, कराची में भी की होगी और आयरलैंड में भी आप कर रहे हैं, तो क्या फर्क है? वो वहाँ पे तो बहुत ही टेक्निकली साउंड कोच होना चाहिए, क्योंकि गलत बताना वहाँ तो पकड़ लेते हैं, पकड़ क्या लेते हैं, इतना आसान नहीं है कोचिंग करना, पाकिस्तान में तो हम जो भी बता दें बच्चे को मानना ही होता है, ये फर्क नजर आया आपको? मैं उधर भी आ रहा हूँ, देखिए बात सुने, एक होता है किताबी कोच होता है, एक प्रैक्टिकल कोच होता है। हम लोग खेले हुए ना, खेले हुए तो मेरे साथ बहुत सारे खेले हुए, ओके मैं ये बोलता हूँ एक कोच को लेवल टू होना जरूरी है। पहले लेवल टू में आपको मिल जाएगी वीडियो एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस बता देगी आपको फॉल्ट फाइंडिंग एंड द रेमेडी, फॉल्ट फाइंडिंग क्या है इसके अंदर, इसकी रेमेडी क्या है, आप कितना दम है मेरे अंदर के बच्चे में मैं काम कर सकूँ टेक्निकली, एनी स्किल है, कवर ड्राइव, आउट ड्राइव, मिड विकेट ड्राइव, बैक फुट पंचेज एंड ऑल, हर एक की अपनी एक टेक्निक है, उससे स्टैंड फाउंड होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर जिस बंदे ने लेवल टू भी ले लिया है और पर्ची पे पर्ची क्या उसका सर्टिफिकेट मिल गया है, अगर उसको कोई ये काम नहीं आया तो बेकार है। जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मुझे चीजें आई थी कराची में कोचिंग करी बहुत कम है, यूएल में कोचिंग करी मैंने जब मैं लेवल टू कर चुका था अल्लाह का शुक्र है, तो जो मैं यहाँ करता हूँ वो मैंने यूएल के लिए किया था, यहाँ के बच्चे बात सुनते भी हैं लेकिन उनके पास यहाँ के बच्चों के पास पांच एक गेम एक साथ खेल रहे थे, पांच स्पोर्ट एक साथ खेल रहे थे, लेकिन वो लोग पांच महीने करते हैं लेकिन वो बहुत सुनते हैं और काफी इम्प्रूव करते हैं। हर आपको पता है कि हर एक चीज की टेक्निकल चीज जरूरी है,
टेक्निक नहीं होगी तो आप अगले दिन आओगे तो फिर आप यू स्टार्ट ओवर अगेन सेम। तो हम टेक्निक पे काम करते हैं, हमारा कोचिंग लेवल बहुत अच्छा है और हमारी जो डबलिंग जो हमारी एकेडमी है YMCA डबलिन, ये आइलैंड की बेस्ट एकेडमी है, यानी कि मैं ओवरली प्रेस कर रहा हूँ, हमें मालूम हम काम क्या कर रहे हैं। और एक अब बताऊँ, एक और बताऊँ मैं आपको, बता तीन चार आजकल खुले हुए प्रोफेशनल किस्म के कराची के अंदर ही जो कोचिंग स्कूल खुले हुए, उसमें क्या है कि क्रिटिज़म नहीं, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है, एक कोच को आपने 30-25 दे दिए तो वो क्या करेगा मुझे बता दें, क्या उन्होंने 20 दे दिए तो क्या इम्प्रूव करेगा, वो कुछ भी नहीं करते थे खाली मैच आने के अलावा। जबकि आयरलैंड में हमारे यहाँ पर एकेडमी चलती है 40 लड़कों की, हमारी एकेडमी होती है लड़कों की, हम 5 कोचेज होते हैं, एक के पास 8-9 से ज्यादा बच्चे नहीं होते, वो उस स्किल पे काम कर रहे होते हैं, रोटेशन बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंचार्ज वो सब बार से मॉनिटर होता है कि क्या काम और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, ये फर्क। एक चीज आपसे पूछनी थी बिफोर वी वाइंड इट अप, इतना मजा है, आप ये बताएं कमल भाई कि ग्रास रूट कोचिंग और ये जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जो कोचिंग है, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग, यू थिंक कोचिंग मिसनॉमर है हाई परफॉर्मेंस के साथ, वहां पे स्ट्रेटेजाइजिंग है, स्ट्रेटेजी है, टैक्टिक्स है, और जो बेसिक कोचिंग है वो वही है जो कि फाउंडेशन कोचिंग है, जो कि यही अर्ली एज में पाथवे डिफाइन करती है, आप कैसे देखते हैं ये? कोई हमने ज्यादा फैंसी कर लिया कोचिंग को भी कि हाई परफॉर्मेंस कोचेस, व्हाट आर हाई परफॉर्मेंस कोचेस, ये जो बेसिक जो ग्रास रूट कोचेस हुए ना। देखिए लेवल 2 तक तो आप टेक्निक आ गए, लेवल 3 और 4 आ गए, एक मैनेजमेंट में हो गया और एक हाथ ऊपर देख ली क्या क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस तरह चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, किस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है, और फोर वो एनालाइज करते हैं एक से एक डे टू डे परफॉर्मेंस बेसिस पे करते हैं। जो प्राइमरी कोचिंग है ना, ये मस्त है, 11 से लेकर 15 तक आपने प्लेयर बना दिया तो प्लेयर चल जाएगा, अगर आपने 19 को प्लेयर बनाने की कोशिश, प्लेयर बन तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा काम लेगा। जो आप हाई परसेंट कोचिंग की बात कर रहे हो ना, वो तो एक है, आप तो उनके रिकॉर्ड चेक कर रहे हो और ये आपको वीडियो एनालिस्ट पे ला रहे हो उनके लिए, उस पर काम कर रहे हो, एक हाथ उस पर मिस्टेक है या कितना एनालाइज कर रहे हो कि ये बंदा कितना कितना आगे बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, तो ये फर्क है। बाकी जो हमारी जो बिगनिंग कोचिंग है, यहीं से प्लेयर बनेगा, प्लेयर यहीं से बनेगा जो होगी। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो हमारे प्लेयर हैं जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ चुके हैं, फॉर इंस्टेंस यूनुस खान, अगर यूनुस खान पाकिस्तान के अंडर 11 को ले लेता है, इनको शेम नहीं है, 13 को ले लेता है या ज्यादा से 15 को ले लेता है और 3 साल का टाइम देके, हम बहुत प्लेयर बना सकते हैं, बहुत प्लेयर बना सकते हैं। अगर हम बोले कि हम पाकिस्तान की एक ही कोचिंग करेंगे, वो मुश्किल है, एक को पकड़ना मुश्किल है, एक को पकड़ना मुश्किल होता है। कमाल भाई, आप आयरलैंड में रहते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स देखते होंगे, हमारे बड़े प्रोफेशनल गए थे वहाँ पे, शुएब अख्तर, एजाज जूनियर, वजाहतुल्ला बास्ती और काफी प्लेयर्स थे जो कि वहाँ पे खेले, अपने तैमूर आया हुआ, तैमूर खान भी शायद आयरलैंड में ही है। वेरी गुड, हाँ वही पे, नॉट डाउन, शुएब अख्तर खेले वहाँ पे? हाँ, असल में शुएब अख्तर और तैमूर में हम लोग अलग लीग में। अच्छा अच्छा अच्छा, मोहम्मद सलमान भी गए थे, सलमान गया नॉर्थ वेस्ट में गया, अच्छा अच्छा, बाकी नॉर्थ वेस्ट में गया है ना, वसीम अहमद नॉर्थ में था, नॉर्थ में भी था, मुख्तलिफ लीग में खेले थे। लेकिन अभी ये कि अभी मैं फिर रोज में बात करूं कि यार क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमको अपने मुल्क का नाम पहले रखना चाहिए, इमेज रखना चाहिए, बाद में बैटिंग बॉलिंग होती है। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ हमारे पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयरों ने इतना नाम खराब किया पाकिस्तानी का, तो मैं अभी बयान नहीं कर सकता, ये तो पब्लिक बात हो जाएगी, लेकिन उनको चाहिए। अब हम पहले इंसान है, फिर पाकिस्तानी है, मुसलमान है, फिर पाकिस्तानी है, हमको एक चीज रखनी चाहिए दिमाग के अंदर, फिर चलना चाहिए। परफॉर्मेंस तो आनी जानी चीज है, परफॉर्मेंस तो होती है, वहाँ पर आदमी खेलता है, जब आदमी 18-20 मैच खेलेगा तो 40-50 आउट भी करेगा, तो 500-600 रन भी बनाएगा, 800 रन भी बनाएगा, जैसे भी आदमी को होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो गोरे लोग ये बहुत ऑब्जर्व करते हैं यार, इसका सिस्टम ऑफ लाइफ क्या है, तरीके कर क्या है जिंदगी का, ये कैसे चलते हैं, और हमको वो लोग मुसलमान मानते हैं तो हमारा सिस्टम वैसे होना चाहिए, जैसा जब हम प्रोटेक्ट करते हैं वैसे रखना चाहिए अपने आप। क्या बात की आपने, एग्जांपल की। अच्छा कमाल भाई, ज्यादा ज्यादा बता दें फिर, 112 किसके खिलाफ किया था फर्स्ट क्लास में, 100 और एक बार 90 में आउट, आपने नाम लिया ना साबिर का कुछ पैसे पहले ना, मैं साबिर से आउट आउट ऑफ 90 रन ब्रेक पड़ता हुआ, वो कैसे बोल क्लास, उनको बॉल जगह जाता ही नहीं था और स्क्वायर, उनका ब्रेक नहीं था, स्पिन नहीं है, उनका स्क्वायर ब्रेक होता है, स्क्वायर जिस आउट ऑफ में स्क्वायर ब्रेक, स्क्वायर ब्रेक हुआ है। कमाल भाई क्यों नहीं खेल सके वो, क्या वजह हुई है? कौन, किनको, साबिर भाई,
साबिर क्यों नहीं खेले पाकिस्तान सारे जो भी खेले? He was a genius. देखिए उस टाइम पर आपके पास दो स्पिनर थे सो कॉल्ड मुश्ताकपुर इंतखाब, तो हालांकि वो सर वो तो एनी टाइम बेटर बॉलर थे, नो कंपैरिजन। यानी आप कह रहे हैं कि साबिर इन दोनों से बेहतर थे? एनी टाइम किसी को पूछ लो आप, एनी टाइम सारे कहते हैं कि बहुत बड़े लेग स्पिनर थे। और खाली देखें वो नहीं है, उन्होंने शाम को नया बॉल पकड़ा, मैं ओपनिंग के बैटिंग करने, मैं ओपन करता रहा ना, वेकेंट से उसने बॉल किया पिंडी का फास्ट बॉलर था, मैं नाम दिमाग से क्योंकि बाप भी खेला था, रिजवान खतीब भी खेला था, रियाज भी खेला उस मैच के अंदर 20 विकेट पे, और साबिर भी खेले थे उस मैच के अंदर ना, तो एक ऑफ स्पिनर भी खेला था, पांच खेले थे। तो इन्होंने दूसरे से नया बॉल किया और नया बॉल भी लंबा ब्रेक, जिन टांग पे बॉल फेंके थे बॉल तक स्लिप के अंदर, न्यू बॉल, न्यू बॉल। आहत खान को खेले आप? अल्लाह बख्शी आहत खान खेला, मैं यूथ सेंटर में खेला उनको, लेग ब्रेक। वो कैसे थे? वो कुंबले टाइप? वो स्केटर थे, लेकिन फ्लिपर टाइप का बॉल था उनका, लेकिन मैं पहले सुन चुका था, अगर मैं सुना नहीं होता उनके मुताबिक ना कि मैंने स्केटर बॉलर ना, तो मैं फुट पे खा जाता मैं, तो मैं इसको हाफ पे खेल रहा था, तो मेरे को लगा शुगर प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आपको क्योंकि लाइन बहुत अच्छी थी एकदम मिडिल पर, अगर बॉल लगा ना मिस हुआ तो ये गॉड, अगर उनको बॉल बीच में फेंकते ना, अगर आप बॉल स्टंप पे खेले आप बाऊजी को, कादिर भाई को खेले आप डोमेस्टिक में? अंडर 19 से खेला हूं। क्या वो क्या चीज थे? अब क्लास सर, आपको तो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, उससे मुश्किल बॉल तो मैं कभी स्पिनर में खेला नहीं। कादिर को मैंने रन भी बनाया, बहुत रन बनाया कादिर को, लेकिन आज भी कादिर से आउट हुआ, मैं सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास में कादिर को आउट हुआ सबसे ज्यादा। अभी अब यहाँ आदमी कवर्ड मारने का तो आदमी गुगली मार दिया उसने, आदमी इसको ऑन ड्राइव मारने का तो उसने लेग ब्रेक कर दिया, रीड तो करते रहे लेकिन उसमें इतनी चालाकियां थी कादिर के पास, और बहुत तेज से आता जल्दी जल्दी आता था कादिर, तो एक कंप्लीट लेग स्पिन बॉलर था। और अभी अगर मैं बात को बढ़ाना चाहूँ तो अगर कादिर अभी होता इस दौर में होता इस लेग ब्रेक जो रूल है कि फ्रंट फुट के पर, कादिर के 1000 विकेट हो जाती। नहीं नहीं ये मजाक नहीं है, हकीकत है। जब कुंबले वगैरह 700 कर सकते हैं और दारिश कनेरिया 250 कर सकता है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो कादिर को तो बॉल पकड़ने मुश्किल था कि कादिर का बॉल लेग ब्रेक जा रहा है, गुगली जा रहा है, क्या कर रहा है कादिर को, तो पाव नहीं पकड़ते कादिर को, तो पकड़ नहीं सकते थे कादिर का बॉल, पाव पे रखता रहा पहले आउट ही नहीं होता रहा। अब वो सारी कादिर की अगर किसी के रीले है टेस्ट मैचेस की भी फर्स्ट क्लास की भी, तो आप देखो हर आपको दूसरा बॉल नजर आएगा आउट है। यस उनके बारे में रूल नहीं था लेग स्कोर का ना, हम उनको हम ये नहीं बोल रहे हमको कादिर को हम वो कर रहे, अब जो जैसी थी हालात उसमें खेलना पड़ता रहा, खेलना पड़ता रहा और क्या। अरे एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए एक बात बता आपको बताऊं, जितना भी क्रिकेट खेला हम लोगों ने, मैं सर फर्स्ट क्लास भी खेला, सादिक मोहम्मद वगैरह उस दौर से लेकर वकार उन्नीस तक सब मैंने सबके साथ खेला और मैंने बहुत इंजॉय किया। और फिर बता दूं कि चलो ठीक है कोई रिग्रेट नहीं, पाकिस्तान हर कोई नहीं खेलता कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सुधार इंजॉय किया लाइफ को क्रिकेट में, मेरे को नो रिग्रेट क्रिकेट से अगर मिल गया। इमरान खान के अगेंस्ट खेले वो शुरू के? मैं बताऊँ कोई खान का हमारे 78 में जब इंग्लैंड आ रही थी ना, तो जब आ रही थी बॉब विल्स वगैरह, इमरान खान जा रहा था कैरी पैकर खेलने जा रहा था, कैरी पैकर खेलने जा रहा था, तो हमारे बागेजी ने मैच एक टूर्नामेंट लोकल टूर्नामेंट था उसमें लाहौर यूबीएल की टीम और बागेजी अभी लाहौर जी में फाइनल में पहुंचे हुए थे, तो वो मैच उधर हुआ बागेजी ने पर हुआ, तो सादिक भाई भी थे और बुदस्सिर भी था, दोनों ओपन नहीं गए, ये नहीं बोले हम कमाल तो चार्ज देना चाह रहे, मैं ओपन किया और नासिर शाह ओपन किया, इमरान अभी पिक पर था और पाकिस्तानी पत्थर बॉल और ग्रीन विकेट बिल्कुल, और उस पर मैंने मैंने वो पहन लिए स्पाइक पहन लिए जो मैं स्पाइक का भी नहीं था स्पाइक पहन लिए, मैं बैटिंग ओपन करता था, मैं नंबर वन नहीं जाता, टू कभी नहीं जाता, मैं ओपन नहीं जाऊंगा ओपन, तो इमरान का जो बॉल, इमरान का हर बॉल तो मेरे मुंह पे आ रहा था और मुझे यकीन करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ये मैं खेलता ही सामने था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसको मैं खेला मैंने 48 बनाया उस मैच के अंदर, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक इमरान को मैं कट मारने गया तो बॉल टॉप एंड लग गया, बॉल अंदर चीज पे आया, फिर एक कवर ड्राइव मारी चौका हो गया, उसके बाद मैं इमरान को सिंगल पे रहा, मैंने कमल उसको बिहाइंड स्क्वायर खेल इधर भी खेल, ये ड्राइव नहीं देगा तुम्हारा, इमरान ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो वो बॉल डेक पे मार रहा था और तो बॉल आदमी खड़े रहे तो बॉल सब आपके मुंह पे आता था, वसीम अकरम टाइप का बॉलर नहीं था कि आपको यॉकर करके आपको दिमाग को मार दे करीब से आउट नहीं कर देगा शोम भाई की तरह, ऐसे इमरान था तो बहुत तेज लेकिन उसको खेलना इतना मुश्किल नहीं था जो मैंने उस दिन देखा पीजी लगा। जबरदस्त कमाल भाई, यू हैव रीलिव्ड अस द 70s 80s 90s, और कमाल भाई ये राशिद का ना मैं फैन हो गया, मैं पहले तो इसी क्रिकेट का मैं तो बहुत पहले से हो गया हूँ कि इसने मुझे ऐसे ऐसे बंदे इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर क्रिकेट, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, रईस भाई हो गए, आप हो गए, अमीर अकबर बाबर हो गए, हमने भी बहुत सारे लोगों का किया,
It's not about your cricket, your expertise, your mindset or your passion. The humans behind these cricketers, they have been simply amazing. I understand, brother, I'm very blunt. Over the years, cricket deteriorate hui hai ya nahi hui, improve hui hai ya nahi hui, lekin human values bahut degenerate ho gayi. So it's really all my respects for you. Aur bahut maza aaya aapko aapse baat karne ka, Kamal bhai. Over to Rashid. Kamal bhai, kamal kar diya aapne. Aur thank you, sir. Message awam ke liye aur mere doctor ke liye ek message to de dein. The only thing is that jo bhi din mein kaam karo, sincerity rakho. No matter what you work, what you do. Sincerity is the word. I tell you one thing. Sincerity के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो आप. मैं देखो, मैं जिस मोड में हूँ ना, इधर सिर्फ बट सिंसियरिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. अच्छा, मैं आप एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ जो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, पब्लिक को नहीं बोलनी चाहिए. मैं किसी को जानता भी नहीं यहाँ पर. मेरे को वहां से फोन आते और वहां से मैसेज आते, कमाल हमारे बेटे को तुम कोच करो. मेरे एक लक्की भी नहीं होते बोले, वो नॉर्दर्न आयरलैंड में होते हैं. बोलते कमाल, वी हर्ड अबाउट यू और हमारे बच्चे को कोच करो, तुम कितने पैसे लोगे पर सेशन ये बता. तुम्हारे को लड़का लड़की जाने के वन टू वन कोचिंग नहीं है इस मुल्क के अंदर प्राइवेटली इस तरीके से, है ना. बाहर के लोग वो मैं करते, अभी ये मैं अपनी अपने आप को प्रेज कर देता हूँ. द वर्ड सिंसियरिटी काउंट्स अ लॉट. मैं सिर्फ इस बिलीव बोलता हूँ, जो भी आप करेंगे जिंदगी में, जो भी जिंदगी करेंगे, सिंसियरिटी रखेंगे दिल में अपने ना, कि यार किसने मेरे पे भरोसा किया हुआ है. एक बात बताऊँ, मैं एक सेकंड देता हूँ आपको. मैं अगर जिसने भी पेरेंट्स ने मुझे बोला है कमाल वी हर्ड अबाउट यू, तो किसी सोच के लिए अपने बच्चों को मेरे पास ला रहे हैं वो. मालूम है कि सैटरडे मॉर्निंग बारिश होएगी और वो 35 मील से दूर से आ रहा है, नहीं हम जाएंगे कमाल के पास. बेटा भी बोल रहा है, बाप भी बोल रहा है, हम कमाल को बच्ची लेके जाएंगे, बारिश पड़े कोई बात नहीं. तो कुछ आदमी सोच के आ रहा है ना. बहुत कमाल भाई, कमाल भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कमाल भाई. इट वाज अ प्लेजर. सेम हियर. बहुत मेहरबान सर. थैंक यू कमाल भाई, फिर होती है बात. थैंक यू सर. थैंक यू इंशाल्लाह. थैंक यू राशिद भाई, बहुत मेहरबानी. थैंक यू. Got behind you.